नया बिहार बनी प्यार मिली सभा का यह संकल्प तो यार बा गोड़ लगातनी समाचार बटुए बरहपुर प्रखंड के चक्की से खबर के हेडलाइन सुनिए। पछताला के काट के राजद के 25वां रजत जयंती समारोह मनावल गई। विधायक अपना हाथे कटनी पछताला के। खबर बटुए सुमित पांडे के खबर विस्तार से जानी। जहां एक तरफ पूरा बिहार में राजद कार्यकर्ता अपन पार्टी के 25वां रजत जयंती धूमधाम से मनावता रहे। पटना में लालू यादव के भाषण से या तेजस्वी या तेज प्रताप के ठहाका से पूरा महफिल जम गई। भरत शर्मा से के गायकी मदन राय के निर्गुण से महफिल जम गई। वही दूसरा तरफ बक्सर जिला में बात कर जाओ तो बक्सर जिला के चक्की के विधायक शंभू यादव के द्वारा पछताला केक के व्यवस्था कैल गई रहे आ हर कार्यकर्ता के पगड़ी हरियर की पगड़ी दिहल रहे। एक बाद केक के काटे के बारी रहे। काटे के पहले राजद कार्यकर्ता राजद के जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद तमाम प्रकार के नारा लगावल लोग। यह अवसर पे बोलत राजद के विधायक शंभू यादव कहनी कि गरीब गुरबा के पार्टी हिया राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजद के शुरुआत भइल। यह पार्टी में गरीब गुजरल पिछड़ल महादलित दलित सबके मान सम्मान बराबर रखे वाली ई पार्टी हिया। जौना तरीका से विधानसभा में बढ़त बनैलस ई काबिले तारीफ बा। यहाँ के कहनी कि आवे वाला समय में राजद चारों तरफ दिखी। एकरा खाती राजद कृत संकल्पित बिया एकर कार्यकर्ता एकदम नतमस्तक बने। यह कार्यक्रम में देखे के लोग के जमावड़ा लग गई। यह से कि इतना सुंदर ढंग से मंच के सजावल गई रहे पछताला केक सजावल गई रहे। एकरा अलावे बैलून लगावल गई रहे साथे साथ तेजस्वी या लालू यादव के पोस्टर लगावल गई रहे। एकरा के देखला के बाद हर कार्यकर्ता के जोश दोगुना हो जात रहे। आ वही में जब पाँच टल्ला केक जौना रंग के पगड़ी रहे वही रंग के केक रहे वही रंग के लालटेन रहे। काहे ना रहो पार्टी के 25वां रजत जयंती समारोह जे रहे। यह समारोह के आयोजन में राजद कार्यकर्ता नारा लगावत एक दूसरा के केक खियावत मनैले। सुनी बयान। पूरे बिहार के जनमानस को जनजीवन को गरीब दलित महादलित अल्पसंख्यक के लोग आज ये दल का तो स्थापना दिवस है ये है और साथ में गरीबों का आज के दिन में आज़ादी मिला था। आज 25 साल पहले जब लालू यादव ने कमान संभारा था बिहार के तो गरीब गुरबा आज़ाद हो गए थे। आज यही दिन है कि लोगों को दिल में दर्द होता है कि लालू यादव बाहर नहीं रहे जेल में रहे। नहीं तो लालू यादव का जलवा आज भी कायम है जो श्री लालू प्रसाद यादव ने 25 साल पहले कायम किया। इस अपना आवाज़ जो बुलंद किया जो गरीबों को स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया आज भी श्री लालू प्रसाद यादव का जलवा कायम है और आने वाला सदियों सदियों में जब तक धरती आसमान रहेगा तब तक श्री लालू प्रसाद यादव का नाम अमर रहेगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। अभी सामने बिहार विधानसभा पंचायत का चुनाव होना है तो इस पर भी पार्टी का कुछ असर दिख रहा है। पार्टी का अभी कोई सिंबल पर लड़ाई होगा ये निर्णय नहीं है लेकिन हम लोग सब लोग मिल करके चाहेंगे पूरा दल चाहेगा राष्ट्रीय जनता दल कि हमारे लोग जहां भी हैं सभी लोग एकमत होकर के अपना ताकत दिखावे जैसे पूरे बिहार में विधानसभा में दिखाए उसी तरह से पंचायत के चुनाव में भी अपने लोगों को चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले और अपने लोगों को जिताने का काम करे। चलिए धन्यवाद। एक सवाल और है अभी जिस तरह से लोजपा में टूट हुई है इसको लेकर क्या माना जा सकता है कि चिराग पासवान राजद में शामिल होंगे? वो उनके मर्जी का चीज़ है। श्री लालू प्रसाद यादव का दल और श्री लालू प्रसाद यादव का मनोबल
चाहे उनके चिराग जी के पापा भी, चाहे जितना भी गलती किए, लेकिन लालू प्रसाद यादव का देन है कि आज रामविलास पासवान सांसद बनाए गए, विधान राज्यसभा से भेजे गए, उसके बाद भी उन्होंने एहसास नहीं किया। आज क्या भरोसा किया जा सकता है? आज आने के लिए चिराग जी यदि तैयार होंगे तो उनका स्वागत है पूरे ताहे दिल से, और आरजेडी का दरवाजा खुला है, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आज भी उनके लोग पूरे दलित महादलित के लोगों के दिमाग में है कि चिराग पासवान आरजेडी के साथ आ जाए, तो उनका वेलकम है, स्वागत है। सभी लोग इस बात पर टकटकी लगाए हुए हैं कि चिराग पासवान के लिए इससे बढ़िया विकल्प कोई नहीं है। यदि ये बात सुझाव उनको, यदि ये बात सूझती है चिराग पासवान को, तो उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, उनके लिए दरवाजा खुला है आरजेडी का। धन्यवाद। बिहार।